बाहर के ड्रिंक वगैरह ऐसे। ठीक है ब्रदर, बाय बाय। तो कुछ नहीं आता भाई, ना तो इनको इंग्लिश समझ आती थी, ना ही हिंदी आती है, कुछ नहीं आता, बस ठीक है इशारों में बातें हो जाती है, पर बंदे मिलके खुश हो जाते हैं। जस्ट मैं इनको ये बताता ना, आई एम फ्रॉम पंजाब, बस इनको ये पता, अच्छा पंजाब, ये चीज़ वो समझ जाते हैं कि हाँ भी बंदा पंजाब से है। तो वो बहुत मतलब ना दिल से मतलब अच्छा मतलब ट्रीट करते हैं, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ ना केरला में भाई, उनका नेचर अल्टीमेट, समझ कुछ नहीं आता एक दूसरे को हमको, पर बंदे को मतलब फीलिंग थोड़ी, जैसे अपन कुछ ट्रेन का पूरा रूट दिखा दूंगा आपको मैं, और कभी भी आप इधर आते हो तो इसका भी नज़ारा आप ले सकते हो। ये देखो आप इस तरीके से, अच्छे अच्छे वाला व्यू आने वाला है। ये देखो आप इस ट्रेन का, जैसे कि आप हर लोगों में देख रहे हो, बैठा तो अपने से तो जाता ही नहीं है, बैठ तो आप सकते ही नहीं भाई। बस आगे अपना स्टेशन अब आने वाला है, थोड़ी दूर रह गया, तो वहाँ उतर जाएंगे, वहाँ टिकट चेक करेगा पहले, और उसके बाद ही आगे जाने देगा वो। हाँ जी, तो मैं हूँ अभी वैली टूरिस्ट विलेज पर, और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं हूँ हरविंदर, मैं हूँ कर रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप, और अभी हूँ मैं केरला में, और केरला के त्रिवेंद्रमपुरम में हूँ अभी मैं। थोड़ा नाम ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो त्रिवेंद्रम में हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे है एक टूरिस्ट विलेज है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी, देखते हैं इसमें अपने को क्या कुछ देखने को मिलेगा। चलते हैं अंदर इस विलेज के, ऐसा कुछ बाहर से दिखने वाला है। सामने से आई थिंक मेरे को लेनी होगी टिकट, और टिकट लेके फिर चलते हैं आपा इसके अंदर, इसका टिकट, और इधर से होने वाली है इस विलेज, वैली विलेज, वैली टूरिस्ट विलेज बोलते हैं इसको, त्रिवेंद्रम में ही है जो, और बोल सुना है कि मतलब काफ़ी कुछ अंदर है इसके देखने वाला, बना हुआ है, अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो है क्या अभी इधर ना पूरे के पूरे अपने इसमें त्रिवेंद्रम में भी देखने वाला काफ़ी कुछ है, अगर यहाँ पे अकेले त्रिवेंद्रम में आप मतलब 4 से 5 दिन लगा सकते हैं घूमने के लिए इजली। तो देखते हैं आप क्या कुछ अपने को इधर मिलेगा, पूरा कवर करते हैं इस विलेज को जो बोला जाता है ना विलेज, क्या क्या एक्टिविटी अपने को देखने को मिलेगी इधर। ये है जी बच्चों के लिए, देखो सबसे पहले तो बच्चे दिख गए अपने को, बच्चे मन के सच्चे, रिबन लगा रखा, और वो जा रहा है प्लेन। देखो बच्चों का क्या रिएक्शन है भाई, यहाँ पे एक ट्रेन भी चलती है छोटी सी, वो देखते हैं भाई कहाँ खड़ी है, और इधर मिल जाएगी आपको बोटिंग फैसिलिटीज, बोटिंग आप इधर कर सकते हो इजीली भाई। और जो बिल्कुल वो सामने रहेगा ना दूसरी साइड, वहाँ पे है बीच, क्योंकि जिधर मैं घूम रहा हूँ अभी सारे का सारा क्या है बीच के साथ साथ में ही जा रहा हूँ मैं, जिधर भी है हर शहर में मतलब बीच देखने को मिलेगी, जिधर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर बीच तो मिलती मिलती है हर साइड। तो ऐसे ही आप पूरे का पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं, और जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो मैं आपको खुद ही बताए जा रहा हूँ। और ये है भाई ट्रेन का जो है फाटक लगा हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे क्या एक्टिविटी करवाते हैं ये। बोटिंग वगैरह मैं तो करने नहीं वाला, अगर आप करना चाहो तो इधर बोटिंग भी कर सकते हो, उसका प्राइस वगैरह मैं आपको देख के बता देता हूँ। इधर क्या चार्जेज है सर बोटिंग का? सफारी बोट पर पर्सन 100 रुपीज़, स्पीड बोट मैक्सिमम 4 पर्सन 1000 रुपीज़। तो ये कुछ ऐसा प्राइस रहने वाला है यहाँ पे, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, देख सकते हो, मैं बहुत बार बोलता हूँ तो कोई चक्कर नहीं है, आप सुन सकते हो, एडजस्ट कर लेना आप थोड़ा है ना। और ये होगी भाई बोट, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर
बोटिंग का नज़ारा ले सकते हो। मैं ऑलरेडी काफ़ी बोटिंग कर चुका हूँ, तो दैट्स वाई मैं और अभी बोट यहाँ पे बोटिंग नहीं करने वाला। तो चलते हैं आगे, आप उधर ट्रेन वाली साइड है, इधर कुछ खाने पीने को मिलेगा, कुछ ड्रिंक में ले लें इनसे। क्या कुछ खिलाएंगे भाई, क्या खिलाओगे भाई? यू अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश ओनली। तो मैंने यहाँ से कर लिया फ्रूटी परचेज और पी रहा हूँ। वैसे मैं पीता नहीं होता बाहर के ड्रिंक वगैरह ऐसे। ठीक है ब्रदर, बाय बाय। तो कुछ नहीं आता भाई, ना तो इनको इंग्लिश समझ आती थी, ना ही हिंदी आती है, कुछ नहीं आता। बस ठीक है, इशारों में बातें हो जाती है, पर बंदे मिलके खुश हो जाते हैं। जस्ट मैं इनको ये बताता ना, आई एम फ्रॉम पंजाब, बस इनको ये पता, अच्छा पंजाब, ये चीज़ वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा पंजाब से है। तो वो बहुत मतलब ना दिल से मतलब अच्छा मतलब ट्रीट करते हैं, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ ना केरला में भाई, उनका नेचर अल्टीमेट, समझ कुछ नहीं आता एक दूसरे को हमको, पर बंदे को मतलब फीलिंग थोड़ी जैसे आप अंडरस्टैंड कर जाते होते हैं ना, तो वो चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर जाता हूँ, वो भी समझ जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा मिलके उन्हें अच्छा लगता है। फ्रूटी ख़त्म होगी और ये खड़ी है सामने ट्रेन, तो इससे पूछते हैं भाई क्या सिस्टम है। मेरे को लगता है ट्रेन वगैरह तो इनकी बंद पड़ी है, तो पूछते हैं भाई चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। भैया अभी ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन चलने में 1 घंटा बाकी है अभी, तो 1 घंटा तो कौन ही वेट करेगा इधर यार, मुश्किल है वेट करना। तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे घूमना चाहो तो आपको ये ट्रेन भी मिल जाएगी। ये आ गया रेलवे स्टेशन, देखो कितना अच्छा बना हुआ है ना, इस पर बैठ के मतलब छोटे बच्चे ज़्यादा लाइक करेंगे ऐसी चीज़ों को। ये देखो आप इस तरीके से बनी हुई है ट्रेन कुछ है। ये बात, ये अभी मेरे को लगता है इसको चार्ज लगा रखा है, इस पे बैटरी वगैरह चलती होगी ना। ये देखो वैली विलेज का यहाँ पे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, वैली विलेज, और ये है ट्रेन। इसको मैं आपको, ये देखो पानी में से गुजरती है प्रॉपर, मतलब कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है ना, ये देखो आप। और ये थी जी ट्रेन, और ट्रेन के बाद देखते हैं अपने को और क्या मिलता है यहाँ पे। ये देखो भाई सामने, मतलब इस तरीके से उन्होंने ना मिट्टी के बना रखे, मतलब एक ठीक है, फोटो वगैरह खींचनी करनी है उसके लिए थोड़ा ठीक है जी। ये गया डस्टबिन में, और ये बना हुआ है देखो शंख बना हुआ है। साइज देखो शंख का कितना बड़ा है ना, ये तीनों शंख हैं, एक ये दो तीन, तीन शंख बने हुए हैं यहाँ पे। ये चारों ओर मैं आपको घूम के दिखा देता हूँ अच्छी तरह से, आप पूरे का पूरा केरल मेरे साथ घूम लोगे। आपको वो जो बिल्कुल इसके सामने है ना, वो सारी बीच है बस, बिल्कुल ये कॉर्नर पे ही बना हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं है। जो अपने क्या बोलते हैं, इंडियन सागर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसके एंड पे वो ही आ जाएगा। अगर भाई कुछ खाना पीना चाहते हो आप, तो ये बना हुआ है कैफ़े, यहाँ पे कैफ़े पे आप खा पी सकते हो भाई। बिल्कुल पानी के अंदर ही बना हुआ है देखो, और साइडों से इसको रस्सी से बांध रखा है, एक बोट की तरह ही है ये पूरे का पूरा, ये जो कैफ़े बना हुआ है। Here is a security guard, bro. अच्छा वो आ गई रेलवे ट्रैक पर। हाँ जी, तो मैं अभी बैठ गया हूँ ट्रेन में, मेट्रो स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है। कुछ ऐसा नज़ारा होने वाला है ट्रेन में।
से हम देख सकते हैं पूरा बीच। ऐसा नजारा कुछ होने वाला है भाई, देख लीजिए आप। ऐसा व्यू आ रहा है भाई, ये मतलब 20 मिनट की अपने को ट्रेन पे राइड मिलती है और 20 मिनट आप इस ट्रेन पे जा सकते हैं बढ़िया राइड लेके 20 मिनट तक की। देखो और इस साइड से मैं फिर आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए भाई कुछ ऐसा व्यू होगा यहाँ से। ये ऐसे पुल क्रॉस करेगी, इस तरीके से आप सारा क्रॉस करते हुए जाएंगे। ये देखिए आप, रास्ते में कोई स्टेशन भी आना चाहिए है ना, चाय वगैरह पीने के लिए। ये देखो भाई, इसके दूसरी साइड बीच है सारी है जो है, ये आ गया वैली पिशकरा, ये मेट्रो स्टेशन आ गया, बट गाड़ी रुकी नहीं यहाँ पे, चाय वगैरह के लिए रुकनी चाहिए थी बट रुकी नहीं है, चलते ही जा रही है भाई। देखते हैं कहाँ से घुमा के लेते जाएगा। टीटी भी आ सकते हैं टिकट चेक करने के लिए इसकी। साइड्स का नजारा कुछ, ट्रेन का पूरा रूट दिखा दूंगा आपको मैं, और कभी भी आप इधर आते हो तो इसका भी नज़ारा आप ले सकते हो। ये देखो आप इस तरीके से अच्छे अच्छे वाला व्यू आने वाला है। ये देखो आप, ये बीच के बिल्कुल पास पास से जाएंगे आप। ये देखो आप, ये अभी आप एक जो यहाँ पे पुल बना हुआ है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो भाई, अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, ये भी एक डिफरेंट सा फील है। ये देखो आप, इस तरीके से भाई ट्रेन जाने वाली है। देखिए आप क्या नज़ारा है इस ट्रेन का। जैसे कि आप हर व्लॉग में देख रहे हो, बैठा तो अपने से तो जाता ही नहीं है, बैठ तो आप सकते ही नहीं भाई। बस आगे अपना स्टेशन अब आने वाला है, थोड़ी दूर रह गया तो वहाँ उतर जाएंगे, वहाँ टिकट चेक करेगा पहले और उसके बाद ही आगे जाने देगा वो अपने को। ये देखो ये बंद हो रखा है यहाँ पे, इन्होंने फाटक लगा रखा है अभी, ये ट्रेन आने वाली है तो फाटक कर रखा है बंद। वो सामने आप मेट्रो स्टेशन देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हो भाई ट्रेन, बताओ आप मेरे को सही सही। ये देखो भाई, ये इन्होंने स्पेशल पूरी एक्टिविटी करवा रखी है, समुंदर के ऊपर से एक टनल भी बनाई हुई थी, सारा कुछ इन्होंने प्रॉपर वैसे बनाया हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी है भाई ये चीज़। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीज़ थोड़ा
ठीक लगा होगा, वर्थ होगा जी। और ये क्या लेके जा रहे हैं भाई, ट्रेन में कोई मील वगैरह तो इन्होंने दी नहीं अपने को, मील वगैरह भी देनी चाहिए थी कोई ना कोई, है ना। ये बात ऐसा कुछ नज़ारा होएगा जी यहाँ पे। बस अभी अपना थोड़ी दूर पे मेट्रो स्टेशन आने वाला है, बिल्कुल आगे जाके। तो ये देखो बच्चे बैठे हैं, बाय से बाय बाय बाय, ये देखो बच्चे बैठे हैं सारे, बाय। बच्चे मन के सच्चे। ये अभी अपन पहुंच गए अभी मेट्रो स्टेशन पर भाई। गर्मी बहुत थी, एसी नहीं लगा हुआ इसने, बाकी तो सब ठीक है। इनको एसी भी लगाना चाहिए, और अंदर से अपन डोर ओपन नहीं कर सकते, जो भी अभी ये सारे खुद से ओपन करेंगे, आप ओपन नहीं कर पाएंगे। कर तो सकता हूँ बट मैंने करा नहीं, मैं छोड़ो भाई क्या करना है। और ये हो गया भाई डोर ओपन। ये देखो बच्चों को लेके आते हैं ना घुमाने के लिए, ये स्कूल वगैरह के बच्चे होंगे, उन्हें घुमाने के लिए लंच वगैरह उनका साथ में आता है, तो और इस पार्क वगैरह में घुमाने के लिए लेके आते हैं। तो हाँ जी, कैसे रही अपनी राइड? तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, एंटरटेन हुए हो, तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है जी। तो बने रहना यूट्यूब चैनल के साथ, गिल ऑन व्हील के साथ, और आपको नई नई चीज़ें, नई नई लोकेशंस मैं दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं नई लोकेशन के साथ, बाय बाय।